नमस्कार सकाल 9टार अपडेट खबर सह आपको स्वागत करुछु मु शक्ति बुलेटिन को आगे बढ़ेगा किंतु प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस राज्य आज 4851 नुआ पॉजिटिव क्वारंटाइन सेंटर 2814 लोकाल केस 2037 खोर्धा जिलारु सर्वाधिक 703 संक्रमित पुणी 5 मुंड नेला महामारी महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना आज हो पारे संपूर्ण लॉकडाउन बड़ा घोषणा कर पारंते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ब्रेक द चेन न देवारु हो पारे तालाबंद निष्पत्ति कोरोना विरुद्ध लड़ई में प्रधानमंत्री मोदी मंत्र कठिन परिस्थिति में धैर्य सठिक निष्पत्ति जरूरी श्रमिकों विश्वास बजाय रखु राज्य सरकार देश को लॉकडाउन बचाइवा दरकार बरगढ़ गाईसिलट ब्लॉक उमरट गांव में हाथी आतंक दंता आक्रमण में 3 जन मृत्यु शौचपाई निकटस्थ जमी को जाता बेले हाथी आक्रमण शिकार गांव में चापा उत्तेजना ग्रामवासी को फरेस्टर को बुझासुझा आईएस विनिल कृष्ण अपहरण मामलार मास्टर माइंड कला आत्मसमर्पण आंध्र पुलिस डीजी निकट में सरेंडर कला टफ मौनता कृष्ण मुंड उपर थिला 20 लाख टंका पुरस्कार 38 जवान मृत्यु और अस्त्रागार लुट मामलार थिला संपृक्त एवं आज पवित्र रामनवमी कोविड कटकणा बंद रही भक्तों दर्शन मंदिर गुड़िक केवल रीतनीति अनुसार चली पूजा अर्चना गत 24 घंटा 4851 पॉजिटिव चिन्हट होती राज्य में जहाँकि नुआ रेकर्ड पुणी सृष्टि कर आक्रांत क्वारंटाइन 2814 और लोकाल केस रही 2037 खोर्धा जिलूार सर्वाधिक 703 पॉजिटिव चिन्हट होती सहित पॉजिटिव संख्या 382,315 को वृद्धि पाई राज्य में वर्तमान एक्टिव केस 30,927 रही सहित आज राज्य में 5 मुंड नहीं महामारी मृतकों मध्य कटक मयूरभंज नुआपड़ा और सुंदरगढ़ रही सेपटे महाराष्ट्र में आज होपे संपूर्ण तालाबंद बा लॉकडाउन एने आज राति 8टा बड़ घोषणा कर पारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जारी रही कोविड-19 भयंकर स्थिति कोरोना भाइरस चेन को भांगी राज्य में संपूर्ण बंद घोषणा करे आशा करा वर्तमान ब्रेक द चेन निर्देशावली फलप्रद हो पार एमवीए सरकार राज्य में 2 सप्ताह तालाबंद करने को घोषणा कर पारती कोविड-19 मामला को रोकवाई महाराष्ट्र कैबिनेट गत काली सर्वसम्मति क्रमे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन पर प्रस्ताव देते गत 2 सप्ताह मध्य महाराष्ट्र में प्रतिदिन 50,000 अधिक पॉजिटिव चिन्हट हो आसुंच लॉकडाउन होबे मुंबई में स्थानीय ट्रेन चलाचल पर रोक लगुच्छी कि ना ताप राज्यवासी नजर रखिंट अनेपटे प्रवासी श्रमिक मैंने निजर कामधंदा को नहीं चिंतार पड़ जाते कोरोना विरोधी लड़ई में विजयर मोदी मंत्र कठिन परिस्थिति में धैर्य सह सठिक निष्पत्ति जरूरी बोली कहते प्रधानमंत्री श्रमिक माने जोठी अच्छा सेठे रुहतु श्रमिकों विश्वास बजाय रखत राज्य सरकार सचेतनता सृष्टि करिवारे आगे आसतु छोटो छोटो पिला सांप्रतिक परिस्थिति में देश को लॉकडाउन बचाइवा दरकार लॉकडाउन को अंतिम विकल्प भाव में रखतु राज्य सरकार एक अपील कर प्रधानमंत्री कोरोना विरुद्ध लड़ाई रे विजय रो मोदी मंत्र कठिन परिस्थिति रे धैर्य सह सटीक निष्पत्ति जरूरी श्रमिक माने जेउठी अछंती सेठारे रुहंतु श्रमिकों को विश्वास बजाय रखंतु राज्य सरकार सचेतनता सृष्टि करिवारे आगे आसंतु छोटो छोटो पिला सांप्रतिक परिस्थिति रे देश को लॉकडाउन रो बचाइबा दरकार लॉकडाउन को अंतिम विकल्प रखंतु राज्य कोरोनार द्वितीय लहरें प्रधानमंत्री देशवासी को संबोधन करवासी को धैर्य सहित कोरोना विरोध में लड़ाक आह्वान देते प्रधानमंत्री कोरोना विरोध में देश आज बड़ युद्ध लड़ुच्छी
कोरोना द्वितीय लहर बात्या परी माड़ी आसी कठिन परिस्थिति रे धैर्य सो सठिक निष्पत्ति दरकार श्रमिक माने जेउठी अछंती सेठारे रुहंतु राज्य सरकार गुडीको श्रमिकंको विश्वास बजाय रखंतु श्रमिक मानको निज निज स्थान रे खूब शीघ्र टीका प्रदान करा जिवो सेपरि सचेतन रहिले लॉकडाउन रो आवश्यकता पड़िबनी देशकु लॉकडाउन रो बचाइबा दरकार लॉकडाउन को अंतिम विकल्प भाबे राज्य गुडीको रखंतु बोली कहिसंती प्रधानमंत्री किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे, उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे, कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं हो। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित। देश में ऑक्सीजन रो चाहिदा बढ़ी बढ़ी चली ए दिगरे संवेदनशीलता सहित काम करुछंती सरकार समस्त गुरुतर को ऑक्सीजन जोगाजिबो बोली प्रधानमंत्री कहिसंती देशर फार्मा कंपनी गुडी को पूर्व तुलना रे उत्पादन वृद्धि करछंती मेडिसिन उत्पादन पई समस्त सहाय्य ने जाउची सबटु सस्ता वैक्सीन भारत पाखरे अछि। कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। विश्व सबुठ द्रुत गति रे चली टीकाकरण भारत रे मे 1 18 वर्ष रो अधिक समस्त को टीका मिलिबो उत्पादित वैक्सीन रो अधा राज्य गुडी को मिलिबो इ समय रे केंद्र सरकार को पक्षर मध्ये सरकारी हॉस्पिटल गुडी करे मागणा रे वैक्सीन उपलब्ध हेबो जार लाभ देश रो गरीब श्रेणी रो लोक को मिलिबो। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों बुजुर्गों निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी जिसका फायदा जैसा मैंने कहा हमारे गरीब परिवार हो हमारे मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो वो उनका लाभ उठा सकेंगे। देशर द्वितीय लहरे प्रधानमंत्री देशवासी को संबोधन करी कोरोना विरुद्ध लड़ाई रो विजय मंत्र देछंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्रवासी फेरंता को नजर रखी सतर्क करने को अपील करी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बढ़ुवा संक्रमण को रोकने विभिन्न राज्य में लॉकडाउन सटडाउन और 144 धारा जारी कर परिस्थिति में प्रवासी श्रमिक मैंने घर को फेरी पारती फेरंता समय प्रवासी क्वारंटाइन और टेस्टिंग भी निर्देश दि जाए कोविड शज्ञा संख्या वृद्धि सह ऑक्सीजन व्यवस्था निर्देश दि जाए आम प्रस्तुति अति खराब परिस्थिति पर्यंत होगा दरकार सबु आक्रांत जो चिकित्सा सुविधा पाइबे से नहीं कहते मुख्यमंत्री पर्याप्त औषध महजूद रखा निर्देश दि जाए यथेष औषध थे भी भविष्य पर्याप्त महजूद रखा कह
कोरोना मुकाबला पई राज्य रे काम करूनी कि 3T एक्शन प्लान टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट रो तथ्य को तर्जमा कले एक कथा जळ जळ होई दिसुची। प्रथम लहर रा पीक बेले दिन को 60,000 टेस्ट होतुया बेले एबे तार अधा टेस्ट होउची। प्रधानमंत्री 3T को गुरुत्व देबा को परामर्श देउतुया बेले एबे प्रश्न उठुची काहे कि अधिक टेस्टिंग करूनाहांती राज्य सरकार। देखंतु प्रथम लहर बेले केमिति थिला 3T उपयोग आउ एबे केमिति करा जाउची उपयोग। हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है। इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं और अनुभव कहता है कि टेस्ट ट्रैक ट्रीट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। मुख्यमंत्री मानक सह कथा हेबा बेले 3T को गुरुत्व देवा को एमिति ढंग रे परामर्श देथिले प्रधानमंत्री। 70% आरटीपीसीआर टेस्ट करबा को भी कहिथिले मोदी और हमारी टारगेट 70% 70% आरटीपीसीआर टेस्ट करने का है। हेले राज्य रो टेस्टिंग रो तथ्य को देखिले प्रथम लहर तुलना रे आमे धीमे जाईथिबा जळ जळ दिसुची। ए हेउची गत 10 दिन रो टेस्टिंग रेकॉर्ड। मंगलवार 32,000 टेस्ट होइतिया बळे एथिरु केते आरटीपीसीआर तार तथ्य देउ नाही स्वास्थ्य विभाग। प्रथम लहर पीक रे थिबा बळे राज्य रे दिन को 50,000 रु 60,000 टेस्ट हेउतिला। ए हेउची प्रथम लहर पीक समय रो हिसाब। सेप्टेम्बर 25 रे सबुठु अधिक 4,232 पॉजिटिव आसीथिला। सेतेबळे टेस्ट हेउतिला 50,000 रु अधिक नमूना। तेबे प्रश्न काहिं कि टेस्टिंग कमाई देउछंती सरकार। टेस्टिंग बढ़िले ट्रैकिंग करि हेबो ओ तापर ट्रीटमेंट हेले मूलरु एथर काहिं कि टेस्टिंग को गुरुत्व देउनाहांती सरकार। विशेषज्ञ मत एथर 3T को गुरुत्व दे जाउ नथिबारु स्थिति अधिक संगीन हेउछि। मु कहुची गवर्नमेंट को 3T की फॉलो करिया पड़े जोटा कहते गुड पब्लिक हेल्थ मेजर्स जोटा कि आमर प्रथम टेस्ट करवा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवा क्वारंटाइन की आइसोलेट करवा एवं ट्रीट करवा 3Ts की प्रॉपर्ली फॉलो करिया दरकार एवं वेरी स्ट्रिंजेंटली फॉलो करिया दरकार जोटा बर्तन लैकिंग अच्छे से गवर्नमेंट को बहुत टाइट करिया पड़े ये तीन टा आस्पेक्ट रे। एंड व्हाट यू आर सीइंग ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप आइसबर्ग जमी कहते हैं आइसबर्ग से ऊपरटा देखुं से एत नंबर ऑफ केसेस अच्छी भितर धरत जहाँ अच्छे 10-15 टाइम्स नंबर ऑफ केसेस अच्छी किंतु आम डिटेक्शन कम हो कारण समस्त टेस्टिंग करूना। एवं नजर पकाइबा ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट तथ्य उपरे टेस्टिंग अधिक होउनथिबारु सही अनुपात रे ट्रैकिंग भी होई पारुनि। सेथिपाई पश्चिम ओडिसार 7 जिला रे संक्रमण सीमा देउछि। ए 7 जिला को एबे रेड जोन भाबरे नैछंती सरकार। ए सब जिला रो मोट संक्रमण दिनकु 1,000 डेइलाणी। ट्रीटमेंट रो तथ्य भी देखंतु गत थर तुलना रे बेड प्रस्तुत करि पारि नहंती सरकार। पीक बेले सब पंचायत रे कोविड केयर सेंटर कोविड केयर होम खोली 48 हॉस्पिटल रे कोविड पई चिकित्सा सुविधा जोगाई थिले सरकार। एथर द्वितीय लहर कोप बढ़ुवा बेले एवं सुधा मात्र 178 कोविड केयर सेंटर रे 21,069 बेड प्रस्तुत होईछि बोली स्वास्थ्य विभाग कहुछि। या बाद हॉस्पिटल रे मात्र 9,008 बेड प्रस्तुत होई रहिछि। ए परिस्थिति रे पश्चिम ओडिसा रो 7 जिला प्रशासन पई संक्रमण उपरे लगाम लगाइबा चैलेंज होईछि। बोल रहे हैं क्या ना किसी का नंबर है ना या कोई ये चीज का सुविधा है कि हाँ पता चले कि कम से कम यहाँ पर कोरोना का कुछ टेस्टिंग हो रहा है या लोगों को पूछना पड़ रहा है। साला कोई टेस्टिंग के लिए भी आएगा तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ हो रहा है कि नहीं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ कोई चीज का सुविधा नहीं है, यहाँ कोई चीज का बोर्ड भी नहीं लगा। कम से कम एक बैनर मार देते कि यहाँ कोविड का टेस्टिंग हो रहा है। 584 आरटीपीसीआर टेस्ट हुए और कलेक्शन का 1200-1300 हो चुके प्रत्येक दिन। से आरटीपीसीआर टेस्ट रो संख्या को बढ़ेगा पर हम निष्पत्ति नहीं छु आउ गुटे आरटीपीसीआर मशीन लगेबो एवं राज्य सरकार को अनुरोध करे छु हमको आउ जणे माइक्रोबायोलॉजिस्ट एवं किछि लैबोरेटरी टेक्नीशियन जोगेबो। एबे प्रश्न संख्या बढ़ी जिबा भय रे सरकार टेस्टिंग को गुरुत्व देउनाहंती कि राज्य रे प्रति 1,00,000 रे 437 जणकर टेस्ट हेउछि। महाराष्ट्र रे यहाँ 1,233 थिबा बेले बिहार रे 1,226 रहिछि।
पॉजिटिव रेट ओडिशा रे पाखापाखि 15% आड़क बढ़ुवा बेले 5% भितर रखा सबु राज्य को परामर्श दे प्रधानमंत्री। टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला कर के रखता है। झारसुगुड़ा सुरेंद्र बारिक भुवनेश्वर दिव्य ज्योति महंती का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। परवर्ती खबर को जीवा बरगढ़ गाइसिलट ब्लॉक अंचल रे हाथी आतंक। गाइसिलट ब्लॉक उमरट गाँव में हाथी आक्रमण में 3 जन मृत्यु होती शौचपाई निकटस्थ जमी को जाता बेले हाथी दली दे अभोग हो मृतक है। गाइसिलट ब्लॉक उमराड़ गाँव मालासे बीरंची कुंभार एवं बलांगीर जिला सरगड़ा गाँव नाथ नाथपाली घटना को नहीं गाँव में चाप उत्तेजना देखाई वन विभाग कर्मचारी घटनास्थल में पहुंची लोकों को बुझासुझा कर। आत्मसमर्पण कला टॉप माओनेता कृष्णा उर्फ एम जलंधर रेड्डी। वेनिल कृष्णा का अपहरण मुख्य कारपटदार थिला कृष्णा। जंतुराई ठारे एक कलभर्ट निकटू गन पॉइंट रे वेनिल कृष्णा को आखिरे कला पट्टी बांधि अपहरण कर नहीं थिला कृष्णा। आउ मुक्ति समय आयोजित प्रजाकोर्ट में मुख्य भूमिका निभाई थिला कृष्णा। से 2008 बालीमेला जलभंडार स्थित लंपका लंच उपरे आक्रमण और 38 ग्रेहाउंड जवान का हत्या मामला रे मुख्य भूमिका तुलाई थिला ही माओनेता। 2004 कोरापुट अस्त्रागार लुट मामलें मध्य संप्रक्त थिबा सह आंध्र रे बहु बड़ हिंसाकांड घटाई थिबा अभियोग रही विरोध में तेरे माओ नीति आदर्श विमुख होगा सह स्वाभिमान अंचल पुलिस मात्राधिक कार्यानुष्ठान जो गत काली आंध्र प्रदेश अमरावती ठारे पुलिस डीजीपी डीजी साउं निकट में आत्मसमर्पण कर कृष्णा। आज पवित्र रामनवमी भगवान श्रीराम जन्मदिन। आज दिन में पापर क्षयपाई धरापृष्ठ को ओह्लाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। भगवान श्री रामचंद्र थिले धर्मर प्रतीक विश्व धर्म एकता स्थापन करथिले भगवान श्रीराम हिंदू एवं पूरा भारतीय ए दिनर ए पर्वर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण महत्व रही। भगवान श्रीराम जन्मदिन पालन नहीं सारा देश उत्सव मुखर होता है किंतु चलित बर्ष कोरोना कटकणा उत्सव फिका पड़ जा मंदिर गुड़िकर केवल रीतिनीति पूजा अर्चना चली भक्त मानू दर्शन सुजोग मंदिर गुड़िकर दि जाऊना कटक जारी कर खासकरी राजधानी भुवनेश्वर कथा देखा जे एटी समान स्थिति मंदिर गुड़िकर जो प्रत वर्ष रामनवमी अवसर में हजार हजार भक्तं भिड़ लगी था कटक जो कोविड कटक जो भक्त मैंने दर्शन करना केवल पूजा अर्चना रीतिनीति मंदिर भितर अनुष्ठित होउछि। कोविड कटकणा भितर भद्रक रे पालन करा जाउछि प्रसिद्ध रामनवमी पूजा। भद्रक गांधी पड़िया रे श्रीराम महाजज्ञ समिति पक्षर निरारंबर भाव में रामनवमी पूजा पालन करा जाउछि। रामनवमी पूजा रे मेढ़ शोभायात्रा मुख्य आकर्षण केन्द्र रही था किंतु चलित बर्ष कोविड कटकणा थिबारु मेढ़ शोभायात्रा उपरे रोक लगाई जिला प्रशासन। भक्त माने निज घरे रही पूजा करने को श्रीराम महाजज्ञ समिति पक्षर कहुई परिस्थिति में श्रीराम महाजज्ञ समिति पक्षर कोविड कटकणा मध्य चली पूजा अर्चना। आज यज्ञर शेष दिन में पूर्णाहुति हेब रामनवमी को दृष्टि रखी छक छक पुलिस मुतयन कर सहित सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करने 25 प्लाटून रु अधिक पुलिस मुतयन करा सह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने नियोजित होते। आज पवित्र रामनवमी अवसर में रेशमी सहर ब्रह्मपुर जड़े महाराणा पुह काठरे गढ़ी प्रभु श्रीराम सबुठू क्षुद्र एक मंदिर रामनगरी अयोध्या प्रभु भव्य मंदिर 2023 सरवाकूबा बेले काठरे यार अबिकल क्षुद्र प्रतिरूप को सामना को आड़िया घर आउ जड़े धर्मा 18 वर्षर दिलीप महाराणा। दिलीप तांकर ही काठ तैयारी मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार भाव में देवा आशा रखिंट।
ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ। ପରିବେଶ ପାଲଟିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ। ରାମନାମ ଭଜନ ସ୍ମରଣରେ ଭକ୍ତ ତଲିନ ଥିବାବେଳେ ରେଶମୀ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 18 ବର୍ଷୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ଦିଲୀପ ମହାରଣା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କାଠରେ ତିଆରି ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚାଲିଥିବା ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିରୂପ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମନ୍ଦିର 2023ରେ ସରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦିଲୀପଙ୍କ କାଠ ଖୋଦ ଏହି ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅୟୁତ ବିସ୍ମୟ। ତିନି ଇଞ୍ଚ ଓସାର ଏବଂ 5 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ଏହି ମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମର ଏକ ସାର୍ଥକ ଫଳ। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ କୁହନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଏହି ଅବିକଳ ପ୍ରତିରୂପ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଗୁଲର ସହାୟତା ନେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ସମସ୍ତ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାର ଅବସାନ ଘଟି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଉପହାର ଭାବେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନବନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର କରିଛି, ଯାହା ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବସି ଭାବିଲି ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି, ତାହା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆର ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ତା ମୁଁ ଗୁଗୁଲରୁ କିଛି ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ସେଇ ଫଟୋ ଦେଖିକି ମୁଁ କରିଥିଲି ରାମ ମନ୍ଦିର। ତା'ର ହାଇଟ୍ ଅଛି 3 ଇଞ୍ଚ, ଓସାର ଅଛି 3 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଲମ୍ବ ଅଛି 5 ଇଞ୍ଚ। ଅବିକଳ ସେଇଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇଭଳି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି। ଓ କେବେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି। ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ସାଧନାକୁ ପାଥେୟ କରି ଦିଲୀପ ଅତୀତରେ ଅନେକ କଳାକୀର୍ତ୍ତି ଏ ଜାତିକୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିବା ଏହି ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଗତ ଦଶହରା ସମୟରେ 1 ଇଞ୍ଚର ଦୁର୍ଗାମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଓ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିବମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ କରି ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ 2.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକୃତି କରି ଆସିଥିବା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମନୋଜ କୁମାର ମହାରଣା। ସେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ, ତ ଆଗକୁ ବି ମାନେ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ସିଏ ମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ କି ଦେଶସ୍ତରରେ କି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ ରଖିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ସିଏ ମାନେ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ 1 ଇଞ୍ଚ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଏସିଆର ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ହଁ, ଗଞ୍ଜାମ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱ ଦରରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଘରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ପରିବାରରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦିଲୀପଙ୍କ 5 ଇଞ୍ଚିଆ ରାମ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସଭା ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।